लिखो उपराष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, या उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में होता है? भाग लिखवाया था मैंने, भाग एक में क्या था? राष्ट्रपति कौन से भाग में पढ़ा आपने? पांच। तो भाग पांच का हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या लिखवाया था भाग पांच का? केंद्र सरकार। तो उपराष्ट्रपति कौन सी सरकार में आता है? केंद्र सरकार में आता है। तो ये याद रखना, उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग पांच में। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है? भाग तो कौन सा हो गया? पांच। अनुच्छेद 63 साफ साफ लिखा है, भारत का दूसरा महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति का होगा, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। कौन से देश से प्रभावित है ये? जैसे अपने संविधान को उधार का थैला कहते हैं ना, कि अन्य देशों से अपन ने कुछ प्रावधान लिए हैं। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया था? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया है अपन ने? ब्रिटेन से। भारत का राष्ट्रपति क्या है, वास्तविक है या नाममात्र है? नाममात्र है। अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक है या नाममात्र है? वास्तविक है। ब्रिटेन का राजा या रानी नाममात्र है या वास्तविक है? ब्रिटेन की रानी या राजा मान लो, नाममात्र की शासिका है या वास्तविक है? नाममात्र की शासिका है वो, याद रखना। वहां पर भी वास्तविक कार्यपालिका अपनी तरह ही है, सेम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो अपन ने राष्ट्रपति का पद तो कहाँ से लिया था? यूके से लिया था, और उपराष्ट्रपति का यूएसए से। ठीक है, याद रख लेना ये चीज़। अनुच्छेद 63 में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो जो पद अपन ने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? सभापति, उपसभापति नहीं, सभापति। वो भी कैसा होगा? पदेन। पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन सभापति कहते हैं ना, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि पदेन होता है। पदेन का अर्थ एक पद के साथ में दूसरा पद मुफ्त में मिलता है। तो याद रख लेना, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा अनुच्छेद ये शक्ति देता है? अनुच्छेद 64। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। कहाँ से? अरे ओम बिड़ला कोटा से है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है या नहीं होता? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है या नहीं होता? होता है ना, बकायदा होता है, वो कोटा से जीत करके गया है। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन से सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का या राज्यसभा का? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है अगला, कि राज्यसभा का सभापति किस सदन की सदस्यता लेता है, या किस सदन का सदस्य होता है? सभापति। याद रखना, किसी भी सदन का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता, क्योंकि उसके पास में दूसरा पद भी तो है, उपराष्ट्रपति। अरे उसका चुनाव किस पद पर होता है? उपराष्ट्रपति के पद पर होता है, वो निर्वाचित तो इस पद पर होता है। ये पद मिलते ही इसको ये मुफ्त में मिल जाता है। ये नहीं है कि पहले सभापति के पद पर नियुक्त होगा, बाद में उसको उपराष्ट्रपति का पद मिलेगा। पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ेगा, उसमें जीतेगा, जीतने के साथ ही ये पद इसको फ्री में मिल जाएगा। इतना याद रख लेना। तो किसी भी सदन का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता।
अगला अनुच्छेद 65 क्या कहता है? जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? जब अरे उपराष्ट्रपति तो यही देखता है कि कब मैं राष्ट्रपति बनूं, कब राष्ट्रपति की मृत्यु हो, कब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे या कब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाए, मौका ही तो देखता है वो। सभापति के रूप में तो कभी कभार काम करता है, बाकी उपराष्ट्रपति रहता है वो, तो उपराष्ट्रपति ठाला बैठा रहता है, तो वो ये सोचता है कि कब मुझे वो पद मिले राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, कौन सी परिस्थितियों में? उसकी मृत्यु हो जाए 5 साल से पहले, वो त्यागपत्र दे दे। किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है सबसे पहले? अरे जैसे मान लो राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को लिखित में त्यागपत्र दे दिया, तो ये तुरंत सूचना किसको देगा? या पहले पद संभालेगा जाके? सोचो एक बार, इसको पद मिला है ना राष्ट्रपति का, तो जैसे ही इसको त्यागपत्र की सूचना आई तो भागा भागा जाएगा, पद पर बैठेगा, या पहले किसको सूचित करेगा? किसी व्यक्ति को सूचित करेगा। किसको सूचना देगा? ये लोकसभा के स्पीकर को ये सूचना देता है। तीसरे नंबर पर वही आता है, पहला राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र इसको देगा, ये तुरंत उसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा स्पीकर को भेजेगा कि अब राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, उसके बाद में ये पद संभालता है। तो अनुच्छेद 65 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। अधिकतम कितने दिन तक कर सकता है? 6 महीने तक। साफ साफ लिखा है संविधान के अनुच्छेद कौन से में, लिखवाया है मैंने बकायदा आपको, कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कितने टाइम में चुनाव करवाने जरूरी है। अनुच्छेद 62 में लिखा है कि 6 महीने में राष्ट्रपति के चुनाव करवाने होंगे। तो ये अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ तक अनुच्छेद समझ में आ गए क्या? 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है अपन ने? USA के संविधान से। ठीक है, दो बात हो गई। 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा? सभापति होगा। पदेन का अर्थ उपराष्ट्रपति पद के साथ में पदेन सभापति का, उसको पद मिल जाता है, एक पद फ्री में मिलता है। अब मान लो वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ है, काम किसके रूप में कर रहा है? सभापति के रूप में। तो उसको वेतन, भत्ते या जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो किस रूप में मिलती है? उपराष्ट्रपति इस पद पर निर्वाचित हुआ है, एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर, नाम तो है कि उसने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, जैसे ही ये पद उसको मिल गया, ये इस पर आसीन हो जाएगा, आसीन का मतलब बैठ जाएगा इस पर, तो उसको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे, जो सुख सुविधाएं मिलेगी, वो किस रूप में मिलेंगी? उपराष्ट्रपति के पद के रूप में या सभापति के पद के रूप में? ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं सभापति के रूप में, ये चीज़ याद रख लेना, सभापति के रूप में उसको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तीसरी बात, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसको सुख सुविधाएं या जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो कौन से पद के रूप में दिए जाते हैं? 3 पद हो गए। अब सभापति है वो, लेकिन पद खाली है उसका, उसकी जगह उपसभापति बैठ गया। उपराष्ट्रपति का पद खाली है इस टाइम पर, क्योंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया, तो उसको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो किस रूप में मिलेंगे? राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे, ये चीज ध्यान में रख लेना। उसने 6 महीने में जितने भी कानून बनाए हैं राष्ट्रपति के रूप में, वो कानून उतने ही प्रभावी होंगे जितने एक राष्ट्रपति कानून बनाता है, अर्थात हस्ताक्षर करता है या अध्यादेश निकालता है, ये चीज़ें याद रख लेना। तीसरा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने माह तक बन सकता है? 6 महीने तक। किन परिस्थितियों में? जब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, और तीसरा महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाए। ये अनुच्छेद समझ में आ गए? कौन नहीं आया?
आ गए ना। अगला अनुच्छेद है 66 वाला, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है, ध्यान से सुन लेना ये अनुच्छेद। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अरे आपका अनुच्छेद 63 तो उसके पद की व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। 64 क्या कर रहा है? पदेन क्या होगा? सभापति होगा। ये सारी बातें संविधान के किस भाग में लिखी हुई है? भाग 5 में। 65 क्या बोल रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने टाइम तक बन सकता है? 6 माह तक। 66 क्या बोल रहा है? उसका निर्वाचन किया जाएगा, अर्थात वह नियुक्त नहीं होगा, ना वह मनोनीत होगा, ना वह चयनित होगा, वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। ये शब्द याद रख लेना। अब बात आई निर्वाचन की, निर्वाचन में कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ध्यान में रख लेना। आपकी जो संसद है ना, संसद का मतलब किसकी बात हो रही है? लोकसभा और राज्यसभा की। संसद के दोनों सदनों के अब कौन से सदस्य आएंगे? संसद के दोनों सदनों के कौन से सदस्य आएंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से आए थे? केवल निर्वाचित आए थे, पक्का? मनोनीत आए तो? अरे आपने मनोनीत को भी बुलाया था क्या? इनविटेशन भेजा था क्या कि चलो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं? इसमें किसको बुलाओगे? अरे जैसो ये संसद बैठी है, ठीक है, ये निर्वाचित सदस्य है, वो मनोनीत है। अब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हो तो उनको बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? सोचो एक बार, है बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? अरे अपने आप को संसद मान लो, वो मनोनीत सदस्य मान लो, और आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, तो क्या आप उन सदस्यों को बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? क्या करेंगे बुला के, है ना? तो उनको बुलाना पड़ेगा, बकायदा उनको बुलाना पड़ेगा। तो याद रखना, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं। उस टाइम पर जितने पद भरे हुए हैं ना, वो सारे सदस्य भाग लेंगे। कुल का मतलब लोकसभा के कितने? 543। पहले 45 थे ना, वो दो मनोनीत, तो वो भी भाग लेते थे। और राज्यसभा के कितने? 245। सारे सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब ये कि ये प्रक्रिया आपने कब अपनाई थी? राष्ट्रपति वाला जब चैप्टर पढ़ा था ना, तब एक काम ऐसा किया था आपने जिसमें संसद के सारे सदस्यों को शामिल किया था, महाभियोग में किया था ना। संसद के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, और संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। याद रखना, आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन में और किनको शामिल किया था? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल करोगे या नहीं? अब बताओ, यहाँ पे भी बुलाओगे क्या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को? नहीं बुलाओगे, कोई वैल्यू नहीं है उनकी आपके सामने। आप संसद हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं। अगर कोई पद खाली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इस टाइम पर 540 सदस्य हैं, तो 540 भाग ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो तीन आए ही, उनको स्पेशल इन्विटेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रख लेना। आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा में जो दो मनोनीत सदस्य होते थे, और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12, इनको शामिल क्यों नहीं किया था? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है अगला,
कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्यों को शामिल क्यों नहीं किया जाता? कई बार पूछ लेता है अगला, क्यों नहीं किया जाता, इनका मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। पक्का वही है? पक्का है क्या? क्या पता शक हो जाए थोड़ा थोड़ा। पक्का वही है ना? कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, शाबाश। उनको मनोनीत कर रखा है 12 सदस्यों को, ये दो तो चलो आज नहीं है, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कभी भी होगा, अब तो रामनाथ कोविंद भाग लेगा, ठीक है। अब ये जो 12 सदस्य हैं, ये किसके हिस्से में जाएंगे? जिसने इनको बनाया है उनको ही वोट देंगे ये तो। तो इस पक्षपात से बचाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान कर दिया कि मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि ये अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन में पक्का उसी व्यक्ति को वोट देंगे जिसने उनको सदस्यता दी है। आई समझ में कुछ? अरे इस चीज से बचने के लिए कि राष्ट्रपति की मारू पर दया है कि हमें यहाँ पर मनोनीत किया है, तो अपना फर्ज क्या बनता है कि उनको वोट दें। इस चीज से बचने के लिए उनको राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर निकाल दिया। अब दूसरी बात यहाँ आ गई, राज्य विधानसभाएं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रही थी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग क्यों नहीं ले रही है? सोचो एक बार, इनको अपन ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं लिया? सोचो एक बार, जबकि राज्यसभा तो राज्यों का सदन है, बकायदा है ना, राज्यों का सदन कहा जाता है उसको, तो उन्हीं को अपन ने पीछे क्यों छोड़ दिया? याद रखना आर्टिकल 356 क्या कहता है, आर्टिकल 356 क्या प्रावधान है 356 में, कल ही बताया था मैंने, कल वाले बच्चे, किसी भी राज्य में जो राज्य की सरकार है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार काम ना करे तो वहां पर राष्ट्रपति क्या लगा देता है, आपातकाल लगा देता है, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति को बनाया है, उपराष्ट्रपति कैसे लगाएगा आपातकाल? भड़क जाएंगे उस राज्य के विधानसभा के सदस्य कि हमने कौन सा तुझे उपराष्ट्रपति बनाया है जो तू हमारे ऊपर शासन करेगा। बाई चांस ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद मिल जाता है, तो इसलिए इन विधानसभा के सदस्यों को किस में शामिल किया था? राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका मुख्य कारण आर्टिकल 356 है, याद रख लेना ये चीज। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं। कुल का मतलब निर्वाचित भी आएंगे और मनोनीत भी आएंगे, इतना याद रख लेना। आर्टिकल 67 क्या कहता है, लिखो मत, एक बार लिखाएंगे आपको। आर्टिकल 67 है, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है, इतना याद रख लेना। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, संविधान ने किया है ये। आर्टिकल 66 में एक बात और कही गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पद्धति कौन सी है? निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपने कौन सी अपनाई थी? काफी बड़ा नाम था उसका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दूसरा नाम क्या था? हेयर पद्धति। तो वो ही यहाँ अपनाएंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? मतलब ही बताया था मैंने, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। न्यूनतम कोटा चाहिए होगा। एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है? एकल संक्रमणीय है, प्रत्येक व्यक्ति पसंदगी के आधार पर क्या देगा? वोट देगा। तो ये चीजें याद रखना, दोनों का अर्थ क्या होता है। तो निर्वाचन पद्धति याद रखना, क्या नाम है उस पद्धति का, आपको अर्थ नहीं पूछेंगे, आपको इतना ही पूछेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो कौन सी अपनाई जाती है?
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यही प्रणाली कौन सी में अपनाई थी? राष्ट्रपति में। इतना याद रखना, गुप्त प्रणाली है ये, गुप्त मतदान प्रणाली, खुली नहीं है। एक होती है खुली निर्वाचन प्रणाली और एक होती है गुप्त मतदान, तो अपन ने गुप्त मतदान वाली अपनाई है, इतनी याद रख लेना। हो गया इतना, लिख भी लिया आपने तो, है ना? शाबाश भाई। छोटा सा ये टॉपिक हो जाएगा जल्दी से। अब बात आई, क्या हो गया, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? खोल दो। पद के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए? पहली योग्यता क्या पढ़ते हो आप, वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या जन्म से होना चाहिए? लिखा है क्या ये बात? अरे क्या कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा है वही उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? क्या भारत का जन्मजात नागरिक ही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? क्या लिखा है? केवल भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी नागरिक जिसने भारतीय नागरिकता ले ली है वो भी उपराष्ट्रपति का क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। यही प्रावधान उसमें है राष्ट्रपति वाले में। यूएसए में क्या लिखा है? जन्म से वहां का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, साफ साफ लिखा है। दूसरी योग्यता क्या है? उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष की व्यक्ति का, जो आयु का व्यक्ति होता है वो उपराष्ट्रपति का क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण योग्यता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज भी होते हो, संसद के कौन से सदन का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए उस व्यक्ति में संसद के किस सदन का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए? तो याद रखना, इसके लिए राज्यसभा की बात की गई है कि उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। आपने राष्ट्रपति में कौन से सदन की योग्यता निर्धारित की थी राष्ट्रपति वाले टॉपिक में? तुलना करके पढ़ो। लोकसभा आयु कितनी निर्धारित की थी? 35 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए था क्या? वो भी बकायदा होना चाहिए था। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, उपराष्ट्रपति के लिए कौन से सदन की योग्यता चाहिए? राज्यसभा की, और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की। तीसरी बात, चौथी बात, वह किसी लाभ के पद पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कौन से पद लाभ के पद के अधीन नहीं आते? ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना जाता, या ऑप्शन तीन ऐसे दे दे जो तीनों ही लाभ के पद के अधीन ना माने जाएं, और एक दे दे इनमें से कोई नहीं या ये सभी। अरे क्वेश्चन कैसे भी दे दे कि निम्न में से कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना गया है, ऑप्शन भी देता है, बकायदा देता है। आप बताओ, देखिए, किसी भी विधानसभा या संसद का सदस्य, जैसे कोई अपने राजस्थान विधानसभा का सदस्य है तो वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। जैसे ही उसने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और वो जीत गया तो ये पद खाली हो जाता है। यहाँ पर आपका जो संसद का सदस्य होता है वो लाभ का पद नहीं गिना जाता, प्रधानमंत्री का पद लाभ का पद नहीं गिना जाता,
किसी भी राज्यपाल का पद किसी भी राज्य का राज्यपाल का जो पद होता है वो पद लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये पद याद रख लेना, जो सरकारी नौकरियां हैं वो लाभ के पद में आती है, चाहे वो फोर्थ ग्रेड की ही क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड की ही क्यों ना हो, वो सारे किस में आती है, लाभ के पद में आती है। तो याद रखना चौथी योग्यता कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ में ये भी लिखा है इस बात में, इस लाइन में, कि किसी भी राज्य का मंत्री, संसद का सदस्य, आपका पीएम या राज्यपाल लाभ के पद में नहीं गिने जाते। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना। पांचवी बात क्या है? हाँ, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल का मतलब तो हो जाता है मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वो। दिवालिया क्या होता है? दिवालिया, हाँ, बैंक में से लोन लेके भाग जाता है, जैसे विजय माल्या भागा था। तो ऐसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। छठी बात क्या है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छठी बात, उसको अनुमोदक और प्रस्तावक तैयार करने हैं। राज्य उस राष्ट्रपति ने भी किए थे ना, कितने कितने किए थे राष्ट्रपति ने, 50-50। इसके लिए शर्त है कि 20 तो क्या होने चाहिए, प्रस्तावक, और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 रुपये की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराएगा, ना तो पंजाब नेशनल बैंक में कराएगा, ना बड़ौदा बैंक में कराएगा, ना किसी और बैंक में। कौन से में कराएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, जो सरकारी बैंक है। तो है हकीकत में, अगर आपको भी कभी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो ना, तो 15,000 रुपये SBI में जमा कराने पड़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक में, RBI उसमें जमा कराने पड़ेंगे आपको। कहीं पंजाब में या अपेक्स कौन सा है उसमें मत चले जाना, एक्सिस बैंक है, यूनियन बैंक है, उसमें मत जमा करा देना। ठीक है, तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक। प्रस्तावक का मतलब क्या है? 20 प्रस्तावक तैयार करने होंगे। प्रस्तावक जब वह अपना नाम राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए उद्घोषणा करेगा अपने नाम की, तो उद्घोषणा के साथ ही 20 ऐसे संसद के सदस्य होने चाहिए जो उसके नाम का समर्थन करे कि हाँ, ये व्यक्ति इस पद पर खड़ा हो रहा है या इस पद के लिए चुनाव लड़ेगा, हम इसके साथ हैं। कितने व्यक्ति चाहिए? 20 संसद के सदस्य। जब वो अपना नाम संसद के सामने रखेगा तो वहाँ पर भी कितने व्यक्ति तैयार करने पड़ेंगे? 20 की खड़े होके बोलेंगे कि हम इसके नाम का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो याद रखना ये 20 एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि बाहर 20 व्यक्ति तैयार कर लिए उसने तो वही 20 व्यक्ति अंदर लाके खड़ा कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 20 अलग होने चाहिए और ये 20 अलग होने चाहिए। किसी भी सदन से हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि राज्यसभा से ही हो या लोकसभा से ही हो। तो ये इसकी क्या है, योग्यताएं हैं, अनुच्छेद 66 के सब क्लोज 3 में, 66(3) में इसकी ये योग्यताएं दी गई है। कौन कौन सी है? भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कौन से सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो? राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और कौन सी योग्यताएं हैं? दिवालिया या पागल घोषित ना हो। ये तो नॉर्मल योग्यता है, ये तो आपके याद ही रहती है, चाहे सरपंच का ही चुनाव क्यों ना लड़े कोई व्यक्ति, तो ये तो आप याद ही रखते हो। और कौन सी योग्यताएं हैं? वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं गिने जाते? ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, योग्यता है या नहीं, ये अयोग्यता में आ जाता है। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा
कि कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं गिने जाते। लाभ के पद में किसी भी राज्य का राज्यपाल, मंत्री, प्रधानमंत्री भी उसी में आ जाता है, या राष्ट्रपति भी लाभ के पद में नहीं आता है। लेकिन राष्ट्रपति क्यों लड़ेगा चुनाव, उसके पास में तो वैसे ही वो पद है। तो ये चीजें याद रख लेना। अगली कौन सी योग्यता थी? 20 अनुमोदक और 20 से क्या करेगा, प्रस्तावक तैयार करेगा। ये चीज याद रख लेना। हो गई इसकी योग्यताएं। फिर बात आती है शपथ की। वापस वो अनुच्छेद रिपीट करो। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। किस भाग में है? भाग 5। ये भाग वाला जरूर याद रख लेना। राष्ट्रपति का पद भी कौन से भाग में है? 5 में ही आता है। दूसरी बात, अपन ने या भारत में उपराष्ट्रपति का पद कौन से संविधान से ग्रहण किया है? यूएसए के संविधान से। तीसरी बात, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये पदेन सभापति कौन सा अनुच्छेद बनाता है उसको? 64 बनाता है। ये अनुच्छेद भी याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है। उपराष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसी को गुप्त मत प्रणाली भी बोलते हो। ये गुप्त वाला भी याद रखना, खुली मतदान प्रणाली नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है? योग्यताएं सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। क्या जन्म से नागरिक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये शर्त अपने संविधान में नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। अगली योग्यता, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। किसने किया रे खराब? और कौन कौन सी योग्यताएं हैं? राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ये भी याद रख लेना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी आ जाते हैं और मनोनीत भी आ जाते हैं। ये चीज याद रख लेना। अब मान लो कई बार जो उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें कोई भी विवाद हो जाता है, होता है ना कई बार विवाद, तो ऐसी कंडीशन में निर्णय कौन करेगा? अरे कई बार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और चुनाव के टाइम पर कोई भी विवाद हो जाए, अ तो नॉर्मल बात है, ये तो अपने यहाँ पर भी होता है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है बकायदा फर्स्ट ग्रेड में आया था ये क्वेश्चन 2018 वाली में, कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निपटारा होता है वो कौन करता है? चुनाव की बात आ गई तो चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। तो चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो कहाँ पर जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो? ये सोचने की बात है। अनुच्छेद 71 में लिखा है साफ साफ कि कभी भी यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद आ जाए या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद आ जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय का मतलब
सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि निर्वाचन आयोग करता है। तो ये चीज़ याद रख लेना। अनुच्छेद 71 कहता है ये बात कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो सारे मैटर कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये चीज़ याद रख लेना। क्वेश्चन ये पूछ ले, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, ठीक है ध्यान से सुन लेना, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? अब एक व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी भी बनाया जाना चाहिए बकायदा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के टाइम पर निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो याद रख लेना, बारी बारी से दो व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी बनते हैं। एक बार बनता है लोकसभा का महासचिव और दूसरी बार कौन बनता है? राज्यसभा का महासचिव। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के टाइम पर निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? एक बार लोकसभा का महासचिव बनता है और एक बार राज्यसभा का महासचिव निर्वाचन अधिकारी बनता है। ये सारी बातें अनुच्छेद 66 में ही कही गई है सारी बातें कि ये जो विवाद वाला है ना, ये तो 71 में आ जाता है, बाकी बातें 66 में ही है सारी कि निर्वाचन पद्धति कौन सी होगी, निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा, योग्यताएं क्या क्या है और निर्वाचन अधिकारी कौन कौन बनता है। तो निर्वाचन अधिकारी कौन बनता है? एक बार लोकसभा का महासचिव और एक बार राज्यसभा का महासचिव। कभी ये मत सोच लेना कि चुनाव तो या निर्वाचन तो सारे निर्वाचन आयोग करवाता है तो निर्वाचन आयोग का सदस्य अधिकारी बनेगा। निर्वाचन आयोग का सदस्य अधिकारी नहीं बनता, बल्कि कौन बनता है? लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव अधिकारी बनता है। ये चीज़ें याद रख लेना। फिर बात आती है शपथ की। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शपथ का उल्लेख, ध्यान से सुन लेना, संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची में किया गया है? बोलो देखे। ये चीज़ याद रखना। आपका राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ये जो व्यक्ति है ना, ये जब शपथ लेते हैं तो उनकी शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेदों में ही किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 69 में है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का CJI। CJI ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। उपराष्ट्रपति किस सीट की शपथ लेता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होने की शपथ लेता है या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है? क्वेश्चन ये भी कंफ्यूज करने वाला हो जाता है कई बार कि राज्य, ये जो उपराष्ट्रपति है ये शपथ लेता है राज्यसभा का सभापति होने के नाते या उपराष्ट्रपति होने के नाते? उपराष्ट्रपति होने के नाते ये शपथ लेता है। किस बात की शपथ लेगा? अपनी शपथ में ये क्या वाक्य बोलेगा? ये बोलेगा क्या कि मैं राज्यसभा का सदस्य यो सभापति बनूंगा और राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करूंगा? ऐसी शपथ लेता है क्या वो? अरे उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेता है तो वही शपथ लेगा जो राष्ट्रपति ने ली थी। किस चीज़ की शपथ? संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है कि मैं संविधान का संरक्षण करूँगा और अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से क्या करूँगा? पालन करूँगा। ये शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति के पद की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है, अनुसूची 2 में नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया था आपने? 60 में किया था, अनुसूचियों में नहीं है। बाकी आपके मंत्री हैं, प्रधानमंत्री वगैरह हैं, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूचियों में किया गया है, इनके अनुच्छेदों में नहीं किया गया है।
ये चीज़ याद रख लेना, इतनी चीज़ें। तो आया क्या यहाँ तक समझ में उपराष्ट्रपति, आया क्या समझ में उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक, क्या क्या बताया है मैंने, है? अरे क्या क्या बताया, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रावधान है। क्या क्या बताया।